पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और कहा एक समय लक्ष्मण भाई के कारण वनवास गए थे और अब लक्ष्मण को भाई के प्रभाव वाली सरकार ने वनवास भेज दिया है। नरोत्तम का इशारा लक्ष्मण सिंह और उनके भाई दिग्विजय सिंह की तरफ था। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग की है। इसके लिए अपने भाई दिग्विजय सिंह से भी आग्रह कर चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसे में भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक समय लक्ष्मण भाई के कारण वनवास गए थे, इस बार लक्ष्मण को भाई के प्रभाव वाली सरकार ने वनवास भेज दिया है, जिन्हें संजीवनी बूटी देनी है वही मारक शक्ति चला रहे हैं। वो थे जो भाई के लिए वनवास चले गए थे और एक लक्ष्मण ये है जिन्हें भाई ने वनवास में भेज दिया है। पर्दे के पीछे से भाई सरकार चला रहे ऐसे मंत्री लोग कहते हैं, पर जिन्हें संजीवनी देना चाहिए लक्ष्मण को वो शक्ति के बाण और चला रहे हैं। अरे क्यों नहीं जिला बना रहे हैं भाई, एक बात कई बार कह चुके वो, क्यों इतनी उपेक्षा सरकार के दलों के विधायकों की है? हीरा अलावा अलग कह रहे, मंत्री अलग चीख रहे, विधायक अलग, ये पूरा का पूरा अंदर ही अंदर घुल लग चुका है इस सरकार को, कभी भी भरभरा के जाएगी ये अपने बोझ से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।